तीन चार लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी, 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको, 10 विधायकों का टारगेट। ता इल्जाम आप विधायक दे वलो लगाए गए ने। आप विधायक ऋतुराज दा कहना है कि 4 to 5 लोग उन्होंने एक विआह दे विच साइड ते लै गए, उन्होंने 25-25 करोड़ दे आफर दिता गया अते कहा कि पार्टी बदल के साड़ी पार्टी च रल जाओ, अते ये भी कहा गया कि नवी सरकार बनी ता मंत्री जरूर बनावांगे तुहानू, इस चीज़ का भी लालच दिता गया है। तो दस दिए कि ऋतुराज दे वलों ये बड़ा दावा किया गया है कि दिल्ली दे विच राष्ट्रपति राज लाउण दी तैयारी चल रही है, बीजेपी दे वलों ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी दे विधायक दे वलों ये दावा किया गया है, दिल्ली दी विधानसभा दे विच खड़ के आप विधायक ऋतुराज दे वलों ये दावा किया गया कि एक पार्टी दे विच उन्हां नूं सद्या गया, 4 to 5 लोग उन्हां नूं साइड ते लै गए ते 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिता, अते ये भी कहा कि पार्टी बदल लो, नवी सरकार बनन ते तुहानू मंत्री बना देंगे। तो राष्ट्रपति राज लाउण दी भी धमकी दित्ती है ऋतुराज नूं, तां वड्डी खबर है। आम आदमी पार्टी का वड्डा दावा है कि दिल्ली दे विच आउण वाले दिनों च राष्ट्रपति शासन लगन जा रहा है, तां वड्डी खबर है। अब इन्होंने घटिया काम फिर से शुरू कर दिया दिल्ली के अंदर, और अभी तक तो केवल सुन रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मैं सेकंड टर्म एमएलए हूं, 9 साल का कार्यकाल है हमारा, कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में, वहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे फोन के माध्यम से, मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा, कई लोग कहते ना सबूत दो सबूत दो सबूत दो, आज दिल्ली विधानसभा के अंदर में सबूत मैं दूंगा कि किस तरह से इन्होंने घटिया काम करने का काम किया और किस तरह का घटिया चीज कर रहे हैं लोग। 3-4 दिन से फोन पे तो कोशिश कर रहे थे, कल दरियापुर में जब मैं शादी में गया, मैं आपको समय भी बताऊंगा, आज के तारीख में मोबाइल फोन हर आदमी की परछाई होती है, आप कहां जा रहे हैं आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है, कितना देर है, आपके आसपास कौन लोग हैं, सब कुछ ट्रेसेबल है। कल दरियापुर में अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी, 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको, 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहार पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। देखिए हमारे हिसाब से ये सवाल ही नहीं उठता है, संविधान में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि अनलेस एंड अंटिल यू ऑब्टेन अ कन्विक्शन, एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दो और ये इमेजिन करो कि सरकार बदल जाएगी। और अगर भाजपा ये चाहती है कि आज देश, भाजपा का तो ये बड़ा षड्यंत्र है फिर, कि जिस जिस मुख्यमंत्री को आप नहीं हरा सकते चुनाव में, बहुत अच्छा है, एक ईडी का फर्जी केस लगा दो, उसको जेल में भेज दो और बोलो कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो ये भाजपा का पूरा षड्यंत्र है।